अब हम बात करेंगे हमारी इसकी तीसरी एप्लीकेशन की, गॉस थ्योरम की तीसरी एप्लीकेशन की। अगर आपने इससे पहले वाली दो एप्लीकेशन नहीं देखी हैं तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो दो एप्लीकेशन जरूर देखें। तो तीसरी एप्लीकेशन हमारी है, ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम की राइट सो देखते हैं हमारे इस एप्लीकेशन में हमसे क्या कहती है ये एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमें इसके लिए जो हमारी एप्लीकेशन है वो ये है, फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड शीट ऑफ सॉरी चार्ज शीट राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज शीट। चार्ज शीट मीन्स होता है, मान लीजिए ये एक शीट है, ओके तो ये शीट अगर हमारी चार्ज होगी तो इस पे जो हमारा इसके आसपास हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगा। मान लीजिए ये हमारी एक प्लेन चार्ज शीट है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन्फाइनेटली चार्ज शीट हम कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए लेट मी यूज अनदर पेन। ओके तो मान लीजिए कि हमारे पास एक प्लेन चार्ज शीट है, यहां से ये मतलब इन्फाइनाइट है, इधर भी ठीक है, ये इन्फाइनाइट है, में चार्ज डिस्चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो जैसे कि हम आप जानते हैं कि हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी पॉइंट पी, मान लीजिए इसके आसपास कोई भी पॉइंट पी है, हमें उस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी होती है। तो इस केस में हमने जो गॉसियन सरफेस है उसे फिर से हमने क्या माना है, एक सिलेंडर, ठीक है। तो वो सिलेंडर हमारा इसे कवर करता हुआ, ठीक है, इस तरीके से होगा हमारा एक सिलेंडर, ऑलराइट, इसे हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर। नाउ अब हमें पता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा। तो फिर हमें इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या मानना होता है, हमें जो पॉइंट है उस पर हमें क्या मानना होता है, एक स्मॉल एलिमेंट मानना होता है, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट मानना होता है तो इस पे सिलेंडर के हमें पता है तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस पर हम फ्लक्स भी पढ़ते हैं, फ्लक्स वाली वीडियो भी आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस साइड का वो इधर की साइड होगा, ठीक है। ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगेन दिस इज एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस साइड, ओके। और जो हमारा स्मॉल एलिमेंट, तीन पार्ट्स होते हैं, हमने इसे फिर से तीन पार्ट्स में करने, फर्स्ट रीजन एंड दिस वन इज सेकेंड रीजन, एंड फर्स्ट रीजन इन सेंस कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमारा फर्स्ट रीजन है एंड दिस इज थर्ड रीजन, ठीक है। जैसे कि हमने इसे पहले वाली एप्लीकेशन में भी देखा था, हमारा दिस इज अवर थर्ड रीजन। तो देखिए, मान सकते हैं आप इसे भी फर्स्ट रीजन मान सकते हैं, इसे भी फर्स्ट रीजन मान सकते हैं, तो हमने इसे थर्ड रीजन माना। तो ई थ्री ई वन एंड दिस विल बी ई टू दिस वन। तो जो हमारा ये है, ये एन कैप है एरिया, सॉरी जो हमारा एरिया वेक्टर है, आउटवर्ड होता है, जो नॉर्मल आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड इसका क्या होगा, इस तरीके से होगा, क्योंकि इस तरीके से तो आउटवर्ड हो नहीं सकता। इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी सर्कल है, ठीक है, कोई भी सर्कल है, उसका आउटवर्ड इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से होगा, ठीक है। और ये हमारा इसका जो होगा, जैसे ये हमारा एक सिलेंडर मान लीजिए, तो इसका जो आउटवर्ड होगा वो बाहर को होगा, इस जो ये वाला पार्ट है इसके बाहर को होगा, बट जो ये कर्व्ड पार्ट है, ठीक है, जो कर्व्ड पार्ट है इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर को, इस साइड को होगा आउटवर्ड। तो इसलिए ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसमें अगेन इस साइड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फिर से हमें वो चीज कंसिडर करनी होती है। इस वाले पार्ट पे देखिए हमारा इन दोनों के बीच का एंगल इज 0 डिग्री, एंड इस वाले पार्ट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है। एंड थर्ड वाले पार्ट के लिए फिर से हमारा जो एंगल इन दोनों के बीच का एन कैप एंड ई का वो हमारा 0 डिग्री है। फिर से तो हमें इसे करने के लिए क्या करना होगा, तो हम कुछ अजम्पशंस करते हैं, ठीक है। तो वो अजम्पशंस हमारे होते हैं, हम लिखेंगे कि कंसिडर, हमें करना है कंसिडर करना है, सबसे पहले कंसिडर अ लार्ज प्लेन charged sheet of surface charge density sigma, ठीक है। sigma जो हमारा sheet होती है उसका हमारा जो surface charge density होता है वो हमारा sigma होता है, ठीक है। सिग्मा हमने कंसिडर कर लिया, ये हमारा डायग्राम हो गया इसका, ठीक है। अब हमें क्या क्या लिखना है, टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर दिस शीट। अब इस शीट के आसपास हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दिस शीट, ओके तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा टारगेट होता है, हमें क्या करनी होती है, गॉशियन सरफेस अज्यूम करनी होती है। तो यहाँ पे हम गॉशियन सरफेस अज्यूम करेंगे इस पॉइंट को कवर अप करते हुए, सिलेंडर, ठीक है। वी ड्रॉ सिलेंडर, CYLIN, सिलेंड्रिकल गॉशियन सरफेस, बनाली सरफेस हमने, ठीक है। एंड क्या करेंगे हम, हमें इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जैसे कि ये गॉस की एप्लीकेशन है तो इसे सॉल्व करने के लिए हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। एंड अप्लाइंग गॉस थ्योरम, ऑलराइट। तो गाइज हमारी गॉस थ्योरम क्या थी, हमने पढ़ा था जो हमारी गॉस थ्योरम है वो ये है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, ठीक है, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड सरफेस भी कह सकते हैं, अराउंड एनी क्लोज्ड सरफेस डीएस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सरफेस यूज कर रहे हैं, वो क्या होता है हमारा टोटल चार्ज इनसाइड गॉशियन सरफेस। वी हैव 3 सरफेसेस, जैसे कि हमने हमारे डायग्राम पे देखा था कि हमारे पास 3 सरफेसेस हैं, सरफेस 1, ठीक है, इसे हम S1 बोल देते हैं, दिस इज सरफेस 2 एंड दिस इज सरफेस 3, है ना। 3 पार्ट्स थे, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो हमें इन तीनों पार्ट पे क्या करना है, हमारी गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, इस वाले पार्ट पर भी, इस वाले पार्ट कर्व्ड पार्ट है जो ये हमारा, इस वाले पार्ट पर भी, एंड दिस वन ऑल्सो जो कि हमारा सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। तो इन तीनों पार्ट्स में अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है, पहले पार्ट के लिए जो हमारा होता है ई डॉट डी एस फॉर एस वन सरफेस प्लस ई डॉट डी एस फॉर एस टू सरफेस प्लस ई डॉट डी एस फॉर एस थ्री सरफेस, ठीक है, जो कि होगा हमारा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कैसे आया सिग्मा एस, देखिए सिग्मा एस हमारा कैसे आया, यहाँ पे देख लेते हैं रफ इसका। सिग्मा एस हमारा आया क्योंकि हमें पता है हमारा होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो चार्ज इनसाइड, इनसाइड चार्ज हमारा कितना है इसमें, पहले वाले जो हमारा होता है ये एक प्लेन चार्ज शीट है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारा होता है इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, ठीक है, और एस हमारा इसका सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो सिग्मा एस हो गया हमारा, क्यू की जगह पे आ गया यहाँ से हमारा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से ये आया हमारा, दिस वन इज रफ वर्क, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये आया इस तरीके से, देन उसके बाद ये जो हमारा एस है इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारा एस है वो हमारी वैल्यू ऑफ
प्लेन सरफेस ठीक है, प्लेन सरफेस एरिया का हमारी वैल्यू है ठीक है। ओके तो फिर अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अगर हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमें पता है कि हमारा आता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एस वन के लिए ई डी एस कॉस थीटा प्लस एस टू के लिए ई डी एस कॉस थीटा प्लस एस थ्री के लिए ई डी एस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ इसके बाद कैलकुलेशन है हमारी, हम लोग थे यहाँ पे ठीक है। अब देखिए पहले वाले के लिए हमारा जो एंगल है, पहली वाली सरफेस के लिए जो हमारा एंगल है वो 0 डिग्री है इन दोनों के बीच का। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो हमारा एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है ठीक है। तो सरफेस एरिया फॉर फर्स्ट वाला हमारा होगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस दूसरे वाले के लिए उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो गया ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस तीसरे वाले के लिए फिर से हमारा ई डी एस कॉस 0 डिग्री विच इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट ठीक है। सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया जो कि हमारा, अब हमें क्या करना है, अब कॉस 0 हमारा होता है 1 ठीक है। तो वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, तो दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट, ये वाली टर्म हमारी यहां से कैंसिल हो जाएगी ठीक है, डिसमिस हो जाएगी ये टर्म। तो हमारे पास बचेगा यहां से हमारा ई इंटीग्रेशन सॉरी डी एस एस वन प्लस ई इंटीग्रेशन एस थ्री डी एस इज इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट ठीक है। तो अगर हम इस वाली सरफेस का क्या करेंगे, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं कोई भी स्मॉल, ये लिया था हमने पॉइंट पी लिया था हमने इसके पास में, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा डीएस से पूरा ये एस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा इस वाली पार्ट से, क्योंकि ई हमारा कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इंटीग्रेशन हमारा होता है सम करने के लिए, कोई भी हमारी जो कंटिन्यूअस वैल्यूज होती है उनको करने, उनका जो सम होता है उसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर डिस्क्रीट वैल्यूज होती है उनका सम होता है हमारा समेशन ठीक है। तो ई एस प्लस ई एस, इधर से भी एस आया डी एस का, इधर से भी एस आया इज इक्वल टू ई सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे बचा 2 टाइम्स ई एस विच इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास बचा 2 ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो ये हमारे पास बचा 2e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से e बच गया हमारा सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन चार्ज शीट ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं दस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन चार्ज्ड शीट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। बहुत बड़ा मतलब है इस चीज का, देखिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, यहाँ पे हमारा आर जैसी कोई भी चीज नहीं आई है, आर इज द डिस्टेंस, वो मैटर नहीं करती है डिस्टेंस ठीक है। तो ये मेन इसका जो कंक्लूजन था वो ये है कि जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन चार्ज्ड शीट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कि वो पॉइंट हमारा कितने डिस्टेंस पर है, कि वो पॉइंट हमारा शीट से कितने डिस्टेंस पर है वो डिपेंड नहीं करता ठीक है। तो ये आया था हमारा, इसका डेरिवेशन है। तो होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा।